दिल्ली में 12 तारीख को चुनाव है और चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है चुनाव करवाने के लिए। आइए देखते हैं चुनाव आयोग की तैयारी। नाउ आज शाम को 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा और 12 तारीख को यानी कि संडे को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी। डीपीडीपी एक्ट में 204 मामले दर्ज हुए हैं, 178 पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए और 26 प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। 199 एफआईआर दर्ज हुई हैं डीपीडीपी एक्ट में, 199, उसमें से 175 फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एंड 24 फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफेसमेंट। एमसीसी वायलेशंस में 9 एफआईआर हुई हैं और 65 डीडी एंट्रीज हुई हैं। आर्म्स एक्ट में अनलाइसेंस्ड वेपन सीज्ड 691, ये अगर मैं 2014 से तुलना करूं तो 2014 में 141 अनलाइसेंस्ड आर्म्स वर सीज्ड, दिस टाइम फार मोर अनलाइसेंस्ड आर्म्स हैव बीन सीज्ड बिकॉज ऑफ मोर प्रोएक्टिव एनफोर्समेंट। देन जो लाइसेंस्ड आर्म्स डिपॉजिट किए हैं वो 5052, 2014 का जो फिगर है हमारे पास वो है 679 लाइसेंस्ड आर्म डिपॉजिटेड। लाइसेंस्ड आर्म्स इंपाउंडेड 5 किए हैं। देन एफआईआर हमने दर्ज करी हैं आर्म्स एक्ट में 515, और 2014 में करे थे 133, सो मोर एफआईआर दिस टाइम। अरेस्ट किए हैं 599 पीपल अंडर आर्म्स एक्ट और 2014 में किए थे 144। देन प्रिवेंटिव एक्शन, इसमें 107 116 में जो बाउंड डाउन किए हैं वो 1525 लोग किए हैं और 107 151 में 3939, 107 150 में 1969 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है और 109 110 सीआरपीसी में 422 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है। जो डीपी एक्ट है उसमें इस अंडर सेक्शन 65 106831 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है। जहाँ तक एक्साइज एक्ट की बात है, एक्साइज एक्ट में एफआईआर हुई है 1378 एंड पर्संस अरेस्टेड 1381। इफ़ आई कंपेयर विद 2014, एफआईआर वर 358 एंड द अरेस्ट वर 375। जहाँ तक सीजर ऑफ लिकर का सवाल है, अभी तक 140,858 बल्क लीटर लिकर सीज हुआ है, 140,858 बल्क लीटर्स एंड द वैल्यू ऑफ दिस लिकर इज रुपीज़ 3.90 लाख। नारकोटिक्स 1415 किलोग्राम narcotics and other drugs we have seized, the value is 373 crore। cash seizure jo hai usme from the fst and sst etc jo humne seizure kiya hai wo hai 4 crore 38 lakh, aur income tax department ne jo kiya hai wo hai 30 crore 30 lakh, सो टोटल 34 करोड़ और 68 लाख, 34 करोड़ 68 लाख वी हैव
seized cash 1,43,27,458. This is including service voters. इसमें male 78,73,022, female 64,42,762, third gender 669, service voters 11,005. Special total number of polling stations that we have, polling booths, is 13,819, and total number of buildings, locations, is 2,700. All women staff polling stations 17, and PWD staff polling stations 1, and one polling station, this PWD staff polling station is at Madangir in South Parliamentary Constituency, and one polling station we have dedicated to PWD voters in Tahirpur in Simapuri constituency, Simapuri Assembly constituency in Northeast Parliamentary constituency. सर, हर बार चुनावों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की एक समस्या रहती है आप लोगों के लिए, इस बार क्या एफर्ट्स रहे हैं आपकी तरफ से? इस बार हमने बहुत मेहनत करी है, पिछले 3-4 महीने से हम लगे हुए हैं इसी काम में, और हर वोटर वर्ग के पास हम पहुँचे हैं जाके. हमने बहुत जागरूकता अभियान चलाए हैं. हमने दिल्ली मेट्रो के माध्यम से पिंक लाइन के ऊपर एक पूरी ट्रेन को हमने रैप किया है, और उसके अंदर भी मैसेजेस पोस्टर्स सब लगाए हैं जागरूकता के लिए. ब्लू लाइन और येलो लाइन पे भी हमने दो दो ट्रेन्स रैप किए हैं. सारी जो क्लस्टर बसेज हैं दिल्ली की, 1,670 से ज़्यादा क्लस्टर बसेज पे भी हमने जागरूकता मैसेज लगाए हैं, और 1,000 DTC बसों पे भी लगाए हैं. हमने बाहर अपने जो आउटडोर पब्लिसिटी में अपने आइकॉन्स के पिक्चर्स के साथ, ऋषभ पंत और मनिका बत्रा जी, उनके फ़ोटो के साथ हमने वोटर अवेयरनेस के मैसेज लगाए हैं. तो और भी रेडियो के माध्यम से, FM के माध्यम से, जिंगल्स और TV चैनल्स के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हमने बहुत कोशिश करी है. सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत कोशिश करी है. सोशल मीडिया पे हमारा फुटप्रिंट कई गुना बढ़ गया है पिछले 2-1 महीने में, और हम एक मैसेज भी भेजेंगे सबको, 1 करोड़ लोगों को हम मैसेज भेजेंगे कि 12 तारीख को आके अपना वोट जरूर करें. अक्सर लोग जो पॉलिटिकल पार्टी वाले होते हैं EVM पर सवाल उठाते हैं, लोग संशय ना करें, इसके लिए दिल्ली वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर VVPAT का इस्तेमाल हो रहा है, तो जब आप वोट डालेंगे तो आपका वोट छपेगा, ये VVPAT पे आपका वोट छप जाएगा और आपको दिखाई देगा 7 सेकेंड तक, तो उससे आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपने जिसको वोट डालना चाहा है वोट उसी को गया है. दिल्ली वालों से क्या अपील करना चाहेंगे एक चुनाव आयुक्त के तौर पर? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये मौका लोकसभा चुनाव का 5 साल में एक बार आता है, सभी लोग अपना वोट डालें, ये लोकतंत्र है, इसमें सभी अपनी आहुति दें और कोई भी ना चूके. इसमें चाहे जो भी स्थिति हो अपना वोट जरूर डालें. कहीं बाहर जाना है, गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन जाना है, वो सब जाएँ, लेकिन 12 तारीख को वोट डालने के बाद जाएं. तो कोई भी इस बार दिल्ली में ऐसा वोटर नहीं होना चाहिए जो अपना वोट ना डाले, ये मेरी अपील है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बहुत अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग होगी और सारे रिकॉर्ड टूटेंगे. थैंक यू. अक्सर हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब चुनाव के समय वोट डालने का वक्त आता तो पीछे रह जाते हैं. अधिकारों की बात करते हुए हमें अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए और वोट जरूर करना चाहिए. दिल्ली वाले बढ़ चढ़कर वोट करें, यही चुनाव आयोग की अपील है और यही न्यूज़ इंडिया आपसे अपील करता है.